पहली जमात ही दोहराई, कहिंदा हेठां दित्तियां संख्याओं में सब तो वड्डी संख्या लभो। वड्डी संख्या लभण लई आपां पहलां ही पढ़ाया सब तो पहला अंक गिणने जरूरी हैं, सारिआं विच चार चार अंक हन, इस करके अंकां वाला कम तो रहा ही नहीं, सारे में चार चार अंक हैं, इस करके सारिया संख्यावान बराबर, अंकों के आधार पर सारी संख्यावान बराबर। दूसरा तरीका होंगे कि खब्बे पासे तो अंकों को देखना शुरू करो किस को सब तो वड्डा अंक है, ये को तीन है, ये को भी तीन है, ये को भी तीन है, ये को भी तीन है, तो ये को भी तीन है, यदा मतलब फस्ट अंक तो सूँ कुछ नहीं पता लगता। दूसरा अंक देखते हैं, ये को छे है, ये को छे है, ये को अठ है, ये को अठ है, ये को सत्त है, ये मतलब आ दो अंक ही आ जिहड़े बाकियां नालों वड्डे हन, पर इन्हां दा सानू तीसरा अंक देखना बहुत ही जरूरी है। तीसरा अंक इहदे कोल सत्त है तो इस कोल सत्त है तो इस कोल छे, ये तो मतलब सब तो वड्डा कड़ा हो गया, तीन अठ सत्त छे। इस तरह असी छोटा दस सकते हाँ, जिवें अगले सवाल में सब तो छोटा अंक दसन दे लई सारे अंकों नू गिणना जरूरी है, सारे में चार चार अंक ने इस करके छोटा दसन दसी नहीं सकते। इहदे कोल पहला अंक एक है, इहदे कोल भी एक, इहदे कोल एक वाले सारे अंक छोटे हैं, ठीक है जी, एक वाले सारे अंक छोटे हैं, तो इस एक वाले ही हैं, आ दो वाला आप बाहर कढ़ देंगे हाँ। अगला इन्हों का सैकेंड अंक देखना पैना, ये को जीरो है, इस को दो है, ये मतलब ये छोटा हो गया, इनू बाहर कढ़ दो, ये भी जीरो आ, ये भी छोटा हो गया, ये एक आ, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। हुण इन्हां दोनों विचों अगला अंक, ये को दो है, ये को दो, ये को एक, एक इस तरह आ सब तो छोटा है। तुसी गल समझ के गए हो गए कि इस तरह बच्चों करना है। अगला आपां देखना है कि एक दो चार छे तो बनने वाली सब तो छोटी संख्या पता करो बनानी है। आप चार अंक हैं, चार तो छोटी बनाने के लिए सब तो पहला चार लाइना ही खिंच लैनिया हैं ताकि तुहानूं पता लगे कि चार अंक हैं। सब तो छोटा अंक लिखना, जो छोटी की है छोटा अंक खब्बे पास तो शुरू करना है, एक बार सब तो छोटा उन्हें बाहर कढ़ दो, बाकियों में छोटा किड़ा है दो है उन्हें भी बाहर कढ़ दो, फिर छोटा किड़ा बचा चार है उन्हें भी बाहर कढ़ दो, बाकी किड़ा बच गया छे। वड्डा लिखने लई तो वड्डे तो शुरुआत की जाए, ठीक है जी। जिवें अगला सवाल है उस विच आपां वड्डा अंक दसना है, तो वड्डी अंक संख्या बनाने दे लई ठीक है, सब तो वड्डा अंक कड़ा है नौ है, खब्बे पास तो शुरू करना है। अगला वड्डा अंक कड़ा है अठ है, जेकर छड़ दईए इन्हां दोनों च वड्डा अंक कड़ा है सत्त है, बाकी बच ठीक है। अगला पांच छे अठ तो कि संख्या बन सकती हैं, देखो तीन अंक जिन्हें अंक हैं उन्होंने पिछे तो लिखते जाना, तीन अंक फिर अगले कि रह जाने हैं, दो अंक फिर कि रह जाने एक, इन्हों सिर्फ आपस से गुणा करना है, यदि मतलब कि संख्यावान बन गई छे संख्यावान बन गई। सब तो पहला पाँच तो बनाने हैं, पाँच पिछे आ गई छे अठ, हूँ पाँच लिख के फिर अठ छे, अगला अंक तुसी लिख सकते हैं छे लिख के अगे अठ पाँच, अगला छे पाँच अठ, अगला अठ अगे लिख के पाँच छे छे संख्या बन गई, ठीक है जी। अगला सवाल है कि वाधे क्रम में लिखना है, वाधे क्रम लिए हमेशा छोटी संख्या में लिखना बहुत जरूरी है। अपना चौथा सवाल करते हैं, पर सब तो पहला अंकों को गिन लीए, सारे में पांच पांच हैं, इस करके आप अंकों के आधार पर छोटा वड्डा नहीं दस सकते। आप सिर्फ इन्हों का फस्ट अंक देखेंगे, सारे का फस्ट अंक तीन है, इस करके फस्ट तो भी नहीं आप दस सकते। सैकेंड देखते हैं, इस को चार है, ये को छे है, ये को सत्त है, ये को छे है, ये को पाँच है, चार वाला सब तो छोटा हो गया, ये एक नंबर पर आ गया, ये एक पर आ गया, अब पाँच वाला दो पर आ गया, बच गए छे वाले दो हैं, इस करके इन्हों का अगला अंक देखना बहुत जरूरी है। ये को अगला अंक दो है, ये को अगला अंक पाँच है, तो छोटा किड़ा होया दो वाला, ये तो मतलब ये तीन नंबर से, ये चार नंबर से, आ पाँच नंबर, ये सारा वाधा क्रम साडा पूरा हो गया। धन्यवाद।
सातवां प्रश्न, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, कहिंदा आपां इहनां दी गुणा करनी है, गुणा करनी तुहानूं पहलां तों ही आउंदी है, आपां इस अंक दे बारे सोचदे हां। उपरला अंक एज इट इज़ हुंदा, थर्ड अंक जिहड़ा 9 ते 6 आ, आपां इहनूं 9 ते 6 नूं अलग लिख लैंदे हां। सब तों पहलां जिहड़ा पिछला इकाई दा अंक हुंदा है उस नाल गुणा करीदा है उपरले सारे अंकां नूं। हुण 6 नूं 2 नाल गुणा कीता, 6 दूनियां 12, एक आंसर भी चला गया। 7 6 42 ते 1 43, 4 आंसर चल गया। 6 2 12 ते 4 16, 1632 आ गया। अगला आपां 9 नाल गुणा करनी है, पर 9 नाल गुणा करन तो पहला इस जगह ते 0 लिखना जरूरी है, क्योंकि ये दहाई दा अंक है, दहाई दे अंक लई इकाई दा अंक 0 हो गया। 9 2 18 8 आ गए, 1 कैरी आ गई। 9 7 63 ते 1 64 आ गए, 4 ते 6 आ गया। 9 2 18 ते 6 24 आ गया। बाकी की करना है, इन्हें सिर्फ जोड़ना ही है। इस तरह थोड़ा ये सवाल भी खत्म होता है। इस तरह आप सवाल करना, 24 का पहाड़ा उद तक पढ़ना है जब तक पहले 2 अंकों को भाग करके नहीं आ जाता, तो उस तो बाद ये हल हो जाता है। पहलियाँ 5 जिस्त संख्यावान लिखो तो उन्होंने जोड़ो। जिस्त संख्यावान, जिस संख्यावान वह संख्यावान थी जो सिर्फ 2 से भाग हो, तो पहलियाँ 5 क्या तो 0 तो काउंट नहीं करनी है। तो पहला कि आ गई 2 4 6 8, बस सारे 2 अंक 2 के भाग होंगे, 2 के पड़ते आते हैं, इन्हों सिर्फ जोड़ ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। दसवां सवाल, 3 अंकों की सब तो बड़ी जिस्त संख्या लिखो, सब तो बड़ी लिखनी है। देखो जो 3 अंकों की सब तो बड़ी संख्या लिखिए तो वह होंगी 3 9, पर आखिरी अंक 9 होने के कारण ये 2 के पहाड़े पर नहीं आता। सानू तो जिस संख्या चाहिए है जो 2 के पहाड़े पर आए, यहाँ मतलब 9 तो पहला कि अंक आना सी 8, इस करके इस 9 को कट के असी ये जगह पर की लिख देवे 8 लिख देवे, बाकी 9 एज इट इज़। समझ लग गई होनी है शायद। अगला सवाल थोड़ा है 11वां, कहिंदा 7 के पहले 6 गुणज लिखो। 7 के पहले 6 गुणज का मतलब है गुणा, सिर्फ गुणा पहाड़ा ही लिखना है। 7 का 7 1 7, 7 2 14, 7 2 21, पहले 6 तक पहाड़ा गुणा गुणा कर दो, ठीक है जी। अगला सवाल 12वां जिहड़ा तुहाडा है, कहिंदा 97856 दे विचों 7 दा स्थानक, 7 नूं आपां देखणा है कि किस जगह ते लाई करदा है, ठीक है। 7 जिहड़ा आ आ हो गया इकाई, आ दहाई, आ सैकड़ा ते आ हज़ार। हज़ार है सब तो सौखा तरीका है कि जिस दा भी स्थानक मुल पुछा हो उस तो बा पिछले अंकों नूं 0 कर दो सारियां नूं। पिछे किन्ने अंक हन? 3, इस करके 3 जीरोआं लग गईआं। 3 अंकों नूं आपां हुण पिछे पढ़ते जाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा तो हज़ार, इहदा मतलब इहदा स्थानक मुल की है? हज़ार, ठीक है जी। अगला 4 सेंटीमीटर लंबा रेखा खंड बनाओ, ये तुसीं फुट्टे की सहायता दे नाल 4 सेंटीमीटर 0 तो शुरू करके 4 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक नाप लेना है, तो उसनों छड़ देना है, तो वो लाइन खिंच लैनी है। इस तो आपां अगला सवाल साडा चलता है 14वां, 2.5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला एक चक्कर बनाओ। सब तो पहला 2.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड बनाना है। आ 0 हो गए, आ 1 हो गया, आ 2 हो गया, तो आ 3वां, पर सर 2.5 चाहिए, मतलब इस जगह का। हुण इस जगह पर प्रकार रख के इतों पेंस रख के चक्कर नूं बना देना है, ठीक है जी। इहदा चक्कर हो गया, तरीका समझ गए होवोगे तुसीं प्यारे बच्चों। अगला सवाल है, हेठां लिखियां आकृतियां दे नाम लिखो। इस नूं की कहिंदे हन? वर्ग है, इंग्लिश इहनूं स्क्वेयर बोलदे आ, इहनूं चक्कर बोलदे आ, या सर्कल, इहनूं त्रिभुज बोलदे आ, इहनूं आयत बोलदे आ, या रैक्टेंगल। किसी नूं बच्चे नूं भी कोई सवाल च प्रॉब्लम होवे तां दस सकदा है। मैं लगता है कि जिहड़े सवाल आपां छड्डे हन उह तुसीं आराम नाल हुण कर सकदे हो। इस नाल तुहाडा इह पहला चैप्टर जो पुरानियां क्लासां तुसीं पढ़िया सी उह खत्म होया है। इस दी तैयारी करनी शुरू करो।